धरती सोलर सिस्टम की एकमात्र ऐसी प्लेनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम अर्थ पर रहते तो हैं, पर ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम अवेयर नहीं हैं। हेलो यारो, मैं हूँ मिस्टी फैक्ट्स और मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट प्लेनेट अर्थ। सो लेट्स एक्सप्लोर। फैक्ट नंबर 1, एज ऑफ द अर्थ। क्या आपको पता है कि धरती की एज 4.54 बिलियन ईयर्स है, मतलब कि 450 करोड़ ईयर्स। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अर्थ के साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कैसे की। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग से कैलकुलेट की है साइंटिस्ट ने। अर्थ की एज एक टेक्निक है जिससे साइंटिस्ट किसी भी पत्थर या किसी भी मटेरियल की एज कैलकुलेट करते हैं। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पुरानी पत्थर जो मिली है हमें वो 4.54 बिलियन ईयर्स पहले की है, यानी धरती की इन्फॉर्मेशन के टाइम की। इससे हमें पता लगता है कि हमारी धरती 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। फैक्ट नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। वैसे तो धरती की एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अर्थ पर बहुत सारे ऐसे भी प्लेसेस हैं जहां पर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा डिफर करता है। 10 जुलाई 1913 को डेथ वैली यूनाइटेड स्टेट्स में आज तक की सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड की गई है, जो 56.7 डिग्री सेल्सियस है। अगर लोएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो वो -89.2 डिग्री सेल्सियस है, जो जुलाई को वॉर्सॉक स्टेशन रशिया में रिकॉर्ड की गई थी। फैक्ट नंबर 3, द अर्थ वाज वंस बिलीव्ड टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले के साइंटिस्ट यह सोचते थे कि अर्थ यूनिवर्स की सेंटर है और सारे प्लैनेट इसके चारों ओर घूमते हैं। फिर एक बंदा आया, न्यूक्लियस कॉपरनिकस, ने हाली सेंटर मॉडल को पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस गाय, सन अर्थ के चारों ओर नहीं घूमता बल्कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। और यह हम जानते हैं कि हाली सेंटर मॉडल बिल्कुल सही है। फैक्ट नंबर 4, द रीजन ऑफ द अर्थ इज ग्रेजुअल स्विंग डॉक्स। जी हाँ, आपने अपने कानों से बिल्कुल सही सुना, अर्थ की स्पीड धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। और स्पीड कम क्यों हो रही है, क्या है ना कि मून अर्थ से दूर खिसकता जा रहा है लगभग 3.78 किलोमीटर प्रति अर्थ के हिसाब से, और इसलिए धरती की स्पीड स्लो होती चली जा रही है। धरती मून से जितना दूर जाएगी उसकी स्पीड उतनी ही स्लो हो जाएगी। 3.78 किलोमीटर पर ईयर सुनने में ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये अमेजिंग क्यों है। उस वक्त 450 करोड़ साल पहले जब चांद नया नया आता था, तब चांद धरती के कुछ ज़्यादा ही सामने था, और उस वक्त हर एक दिन लगभग 67 घंटे का होता था। लेकिन आज लगभग 450 करोड़ साल बाद मून दूर खिसकता गया और धीरे धीरे स्पीड स्लो हो गई, और इसलिए आज हर एक दिन 24 घंटे का होता है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी धरती और स्लो होती जाएगी। 14 करोड़ साल बाद एक दिन की ड्यूरेशन 24 से 25 आवर की हो जाएगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू आर एंजॉयड, कमेंटेड इफ़ यू आर एनी इंक्वायरीज। ये चैनल अभी न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज इज फ्री। इस चैनल पे आगे भी ऐसी वीडियोस आते रहेंगे अबाउट फैक्ट्स। हैव अ गुड डे यारो, गुड बाय।